कौशाम्बी का लाल राजस्थान की सड़क हादसे में शहीद हो गया है। वह बुधवार को युद्धाभ्यास खत्म हो गया था, ट्रेनिंग खत्म कर अपने साथियों के साथ वापस कैंप आ रहा था। अचानक जिप्सी श्रीगंगानगर में पलट गई। जिप्सी में आग लगने से 3 जवानों की मौत हो गई थी। मौत की खबर परिजनों को हुई तो कोहरा मच गया, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 2 दिनों के लंबे इंतजार के बाद शव आज घर पहुंचा। शव से लिपटकर परिवार के लोग दहाड़ मारकर रो रहे हैं और चीखने चिल्लाने लगे। सिराथू विधायक के SDM एवं CO भी फोर्स के साथ पहुंचे, उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। इसके अलावा शासन की तरफ से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक ने शहीद द्वारा एवं स्मारक बनाने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य एवं केंद्र सरकार से दुखी परिजनों के भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। मेरा बेटा पंजाब भटिंडा में पोस्ट रहे, उसके बाद युद्ध अभ्यास सरसाई राजस्थान में गए हुए थे, वहीं पर हादसा होने के कारण, गाड़ी पलट जाने के कारण हादसा हुई। हादसे में वीर को शहीद हो गया। बुजुर्ग का एक जवान था, फिर गंगानगर में ट्रेनिंग पे वो था और ट्रेनिंग करके जब जिप्सी में सवार होकर करीब 6 जवान आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। और हादसा होने के बाद जब पलटी जिप्सी उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद 3 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक जवान अपने सिराथू का था, उदीन बुजुर्ग का, जिसका अंतिम संस्कार आज हो रहा है। और मैं समझता हूँ भारत सरकार द्वारा जो उनको व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा, लेकिन राज्य सरकार से भी PM से बात करके जो भी व्यवस्था हो सकेगी उसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा भी कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर जो है एक पार्क बनवाया जाएगा मेरे द्वारा, और एक शहीद द्वार बनवा करके शहीद के लिए हमेशा सब लोगों के लिए जो आस्था बनी रहती है वो आस्था बरकरार रहे। शहीदों के सम्मान में एक पार्क बनवाया जाएगा और शहीद द्वार बनवाया जाएगा। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।